नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपका अपना एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपना भी ठीक है जी, काम चल रहा है बहुत बढ़िया। आज तारीख की बात करूँ, 21 तारीख हो गई है जी, 21 जुलाई 2024, और टाइम बज चुके हैं 12। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है भाई, आज आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू करवाऊंगा और खुद भी अपने एक्सपीरियंस के लिए कोई एक चीज ऐसी ट्राई लगाऊं करने। सो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो जरूर बताना कैसा लगा आपको, कैसा नहीं, ठीक है? क्योंकि अब आगे आगे कुछ ऐसी ही वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है? सो ज्यादा देर ना लेते हुए करते हैं स्वागत भाई। भाई बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने टाइम दिया अपना। नमस्कार जी सभी को, और शुक्रिया भाई आपका, आपने मौका दिया आपके साथ बैठने का, बात करने का। और जी अभी आप पूछ सकते हैं भाई जो पूछना है। तो भाई ज्यादा समय आपका ना लेते हुए सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारे भाई भी, हमारे व्यूअर्स भी, उनका भी टाइम ज्यादा ना खराब हो। इस अभी जो आपकी जर्नी रही है अभी तक, इसके बारे में आज बात करूंगा आपके साथ कि कैसे आपने काम स्टार्ट किया था, कैसे नहीं, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस आई, कैसे क्या कुछ आपने फेस किया, उस सबके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप स्टार्टिंग से ही आपकी फर्स्ट जॉब यही थी, यहीं से आपने ड्राइविंग से स्टार्ट किया था, या इससे पहले तो भी आप ये कुछ और लाइट कुछ भाई करते? नहीं, स्टार्टिंग से नहीं भाई, स्टार्टिंग से जॉब प्रोफेशन में था, कर रहे थे, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब की, उसके बाद स्किल भी सीखा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का काम सीखा, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बिंग का काम सीखा, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, मॉल के अंदर जॉब की, उसके बाद बहुत है, अभी अगर गिनाने चला तो ये बहुत लंबी हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब भाई ये निकाल सकते हैं हम कि आपका इंटरेस्ट नहीं था उन लाइनों में, या कैसे आपको, क्यों नहीं आपने उन्हीं प्रोफेशंस को, जैसे आपने बताया प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, जॉब की मॉल होगी, तो आपने क्यों नहीं उन प्रोफेशंस को कंटिन्यू किया? स्टार्ट करने का मकसद ये था कि अभी यार कोई भी इंसान है, ठीक है, जब तक आपका पता है एक चीज आपकी आंखों के सामने हो रही है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी आप चले जाओ, आप जब आपको दिख रहा है भी आगे कुआं है और गिरोगे, ठीक है, और सभी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है भी आज इसी साइड को जाना, आगे कुआं है, कुएं में गिरेंगे, फिर एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ेंगे, जो सबसे ऊपर आ गया वो बाहर निकल जाएगा, और जो नीचे रह गया वो कुएं के बीच में रह गया, उसको कोई पूछेगा। हाँ, और ये चीज भाई पहले क्लियर कर देता हूँ कि भाई पहली बार ट्राई लगाऊ ऐसा करने, और शायद आपने ऐसा कभी देखा भी ना होगा, ठीक, सो कुछ अगर गलतियां हुई तो उसके लिए पहले माफी चाहता हूँ जी। और दूसरी चीज ये भाई कि जैसा भी आपने बताया, तो क्या आपने पहले सोच लिया था, पहले अपना मन बना लिया था कि काम करना है तो सिर्फ इसी प्रोफेशन में करना है या इसी लाइन में करना है, इसके अलावा किसी दूसरे फील्ड को या दूसरे प्रोफेशन को देखना ही नहीं? हाँ, कह सकते हो भाई कि या तो मैं उस प्रोफेशन के लायक नहीं था, ठीक है, या मेरे को क्या कह सकते हैं उसको, किस्मत कुस्मत वगैरह इसमें मैं बिलीव करता नहीं, या आप ये कहो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम क्या आज भी। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है भाई आप सभी के लिए भी, और मैं भी बैठा हूँ, कुछ ना सीखूंगा ही आज। शुरू से ही ना मेरा नेचर ऐसा रहा है भाई कि मैं ना एक जगह बंधा हुआ नहीं रह सकता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 3 से 4-5 घंटे रह सकता हूँ एक जगह पे, इससे ज्यादा भाई मेरा दम घुटने लग जाता है, ठीक है, तो मैं इसीलिए मेरे को वो प्रोफेशन सूट नहीं किए, मैं उनके लायक ही नहीं था। हाँ, अभी ये प्रोफेशन ऐसा है भाई, कितना टाइम लगता है यहां से दिल्ली पहुंचने में, आप देखो नॉर्मल स्पीड की अगर बात करूं, वैसे अगर कोई पहली बारी भी जा रहा है तो 5 घंटे लगेंगे उसको चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचने में,
अब आप खुद देख लो, एक बंदा 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, एक ही जगह बैठा है, या कोई सिक्योरिटी गार्ड है बेचारा, ठीक है मैं ग्राउंड लेवल की बातें करूंगा, सिक्योरिटी गार्ड है कोई बेचारा, वो 12 घंटे की जॉब कर रहा है एक ही जगह बैठा है, क्या कर रहा है, एंट्रियां कर रहा है, गेट खोल रहा है बार बार, और फिर क्या हो रहा है, ओए तूने ये नहीं किया, ये गाड़ी अंदर कैसे आ गई, उसने पार्किंग में कैसे लगी, ये कर दिया वो कर दिया। सो बहुत डिफिकल्ट है वो चीजें, एक ही जगह बंधे रहना, और चलो एक दो दिन की बात हो बंदा फिर भी एडजस्ट कर ले, जब डेली रिपीट आपका सर्कल ही ऐसा है, डेली आपके साथ ऐसी चीजें हों, तो वो चीजें भाई मेरे बस से बाहर होगी। ठीक है, तो इसलिए अभी हमारे वाला प्रोफेशन है इसमें, मैं आपको वही कह रहा हूँ 5 घंटे यहाँ से दिल्ली पहुंचने में लगते हैं, अभी आप देख लो हर 40 किलोमीटर बाद एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा, हर 40 किलोमीटर बाद आपका आस पास लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। तो और अभी मेन जो एक क्वेश्चन है जो सभी के मन में ही है हमारे, आपका यूट्यूब के ऊपर आने का मोटिव क्या था, क्या रीजन था, क्या जरूरत आपको महसूस हुई कि आप इस प्रोफेशन के साथ साथ आप यूट्यूब भी ज्वाइन करोगे या यूट्यूब पे आके वीडियोस डालोगे, क्या रीजन रहे उस चीज की? नहीं भाई, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, मेरे दादाजी थे वो भी ट्रक ड्राइवर थे, मेरे ताया जी थे, मेरे ताया जी ट्रक ड्राइवर थे, मेरे पापा मेरे डेंटर थे भाई, ठीक है, वो बड़ी गाड़ियों का काम करते थे, ट्रकों का, अपना कारों में नहीं ट्रकों का। चाचा जी मेरे डेंटर प्लस ड्राइवर, वो ऑलराउंडर। सो इसलिए मार्केट से, ड्राइविंग से, गाड़ियों से बचपन से इन्हीं चीजों में रहे हैं, इन्हीं बातों में रहे। यूट्यूब पे आने का भाई मकसद कोई खास नहीं था, ठीक है, क्योंकि इस लाइन में आके, लाइन तो नहीं चलो मैं कह सकता कि क्रिटिसाइज बहुत है भाई, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, ओला उबर के रिगार्डिंग या कैब ड्राइविंग के रिगार्डिंग लगा लो आप, ये एक टॉपिक ऐसा है कि इसमें सिवाय क्रिटिसिज्म के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि बहुत सी बातें हैं अभी ऑन कैमरा नहीं कर सकते। इन सभी रीजन में से भाई कुछ एक दो जो हाईलाइटेड हो जो आप फिलहाल के लिए अभी बता सको। हाँ, इतना का मुझे यकीन है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप सभी के साथ जो भी रीजन से कुछ रहते हैं या जो भी कहीं कुछ है दाल में काला, तो ये जरूर आप सभी के सामने रखेंगे। फिर भी भाई अगर एक दो पॉइंट आप डिस्कस कर सको हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे भाइयों के साथ। नहीं, जैसे मैं भाई एक दो आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो गाड़ी लेने से ही शुरू कर लो आप। अगर पहले, चलो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ, सबसे पहले भाई मैं ट्रांसपोर्टर के पास जॉब लगा था ड्राइव, क्योंकि मेरे को लगा था कि यार अब और कुछ नहीं, तो जो हिस्ट्री चली आ रही है पीछे से इसी चीज को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मेरी जॉब सैलरी थी उस टाइम 9500, 9500, ठीक है, और उसके अंदर जाने का टाइम होता था, आने का कोई टाइम, कोई 8 घंटे की शिफ्ट नहीं, कोई 12 घंटे की शिफ्ट नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। अब मैं भी उस चीज में नया था, और यहां से मैं आपको 5-7 साल पुरानी बात बता रहा हूं, ठीक। उस टाइम पे चलो एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि अब एडजस्ट आपको खुद करना पड़ेगा जब तक आप खुद करने के लायक नहीं होते, ठीक। तो वहां चला गया, अब वहां पे जाके डेली का भाई रूटीन ऐसी होती थी कि खाना खाने का भी टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता, ठीक। ये नहीं होता था कि चलो किसी को लेके गए या वहां ड्रॉप कर दिया फिर उनको लेके आए आगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, कोई गाड़ी फिक्स हो ये भी नहीं था। हाँ, सुबह यहां से मेरे घर से, मतलब कि जहां से पहला मेरा पिकअप पॉइंट होता था वहां से सेम गाड़ी जाएगी, वो पिकअप पॉइंट तक मेरे को पहुंचना पड़ता था, और शाम को जब आना है स्टाफ को लेके
वहां से सेम गाड़ी मिलेगी जो सुबह आई थी, सेम गाड़ी में उनको वापस ड्रॉप कर देना, ठीक है, ऐसा सर्कल रहता था। और उसके बाद सुबह यहां से लेके उनको पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे तुरंत मैसेज आया वो था पहले, ये गाड़ी नंबर जाके पिक करो, वहां से जाके स्टाफ पिक करो, वहां जाके ड्रॉप करो। और जब अगली जगह पहुंचते थे, अगली जगह जाकर वहां से ये गाड़ी नंबर पिक करो, ये स्टाफ पिक करो, अगली जगह चले जाओ, तो ऐसे सर्कल चलता था भाई। अब बात वही है भी खुद लोगों को भाई उनके फैमिली फंक्शन तक अटेंड करवाने जाते थे, ठीक है, वो जबकि जॉब का पार्ट नहीं था हमारे, हमारा काम सिर्फ कंपनी तक था, ठीक। लेकिन यहाँ पर्सनली भी ऐसे होता था भी भाई कई लोगों के फोन आ जाते थे, कुछ ऐसे थे, ठीक है, जिनको होता है भी ये तो इंसान है ही नहीं ड्राइवर, कि सुबह से 9 बजे से उनके साथ चले हुए हैं, शाम को 6-6 बजे चाय तक नहीं यहाँ पी, पानी तक नहीं पिया, चल रहे हैं, और जाके लास्ट में क्या होता था, हमें वहाँ मैरिज फंक्शन है हमारा, वहाँ ले चलो, चले गए जी। अब वहाँ जाके उसी टाइम जो होटल का स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सन होते थे, अब क्योंकि उनकी भी जॉब है भाई, उनका क्या कसूर है, वो तो वहां से गाड़ियां निकलवाएंगे, उनको जाके वहां ड्रॉप करते थे होटलों में कि भाई ये लो आपकी लोकेशन आ गई। उसके बाद आता था होटल का स्टाफ सिक्योरिटी पर्सन कि यहाँ से गाड़ी निकाल लो, 2 किलोमीटर दूर ले जाओ, होटल में आप लोग खड़े नहीं हो सकते ड्राइवर। अब वहां जाके सुबह से जो इस बंदे के साथ 9 बजे से चले हुए हैं, शाम के 6 बजे जब होटल में पहुंचे हैं, वो तो दिखता था उस बंदे को भी अभी यार बंदे ने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, लेना नहीं देना नहीं, है ना, और उसके बाद 2 किलोमीटर दूर खड़े हैं, 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई पीने की व्यवस्था नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। वहां से बाद फोन आता है सिर्फ भी भाई आज पिक कर लो, और अगर पिक करने में 5 मिनट भी लेट होते थे तो बहुत बहुत कुछ सुनना पड़ता। और अभी 2 क्वेश्चन हैं भाई मेरे आपसे, जैसे आपने बताया कि आप ट्रांसपोर्टर के पास काम कर रहे थे, है ना, और क्या इस चीज में सुनने को तो हमें भी मिलता है भाई कि हरासमेंट बहुत होती है, हार्ड वर्क बहुत है, 15-15, 16-16 घंटे कंटिन्यू काम करना पड़ता है, और कई जगह तो ये भी सुनने को मिला है भाई कि सैलरीज वगैरह भी नहीं मिलती है, तो क्या ये बात सच है? हाँ हाँ, सब कुछ होता था भाई, सैलरी है, सैलरी आपको 9500 से ऊपर मिलनी नहीं, और आपका घिसाई ऐसे होगी भी वॉशिंग पाउडर निरमा से ज्यादा सफेदी आती थी, अब ये देख लो आप। नहीं हुआ, मेरे साथ खुद हुआ था भाई इंसिडेंट, अब रोड पे चलते हुए भाई, अब गलती मेरी नहीं थी, ठीक है, सर्दियों का टाइम था, आगे फॉग थी, और ऊपर से हिल एरिया के अंदर थे हम, तो वहां आग लगाई हुई थी किसी ने, ठीक है, अभी गीला या हरा बालन किसी ने जला दिया होगा, एक तो ऊपर से सामने फॉग, ठीक है जी, ऊपर से अब जो अंदर बैठे हैं वो कह रहे हैं जी एसी चलाना नहीं आपने या ब्लोअर लगाना नहीं। अब ना तो मैं एसी चला सकता था, ना मैं ब्लोअर लगा सकता था, ठीक है, और ऊपर से वो एक ह्यूमिड बनती है जो शीशे के अंदर से ओस बना देती है भाई, ग्लास के अंदर से गाड़ी में, ना तो अब साइड मिरर दिखे ना फ्रंट मिरर दिखे, ठीक है, ऊपर से बाहर फॉग, ऊपर से वो एक टर्न ऐसा था कि उसके ऊपर आग लगी हुई थी, ऊपर से आग का धुआं, अभी वो कोई सामने से गाड़ी वाला आ रहा था, थोड़ी सी गलती मेरी भी थी, क्योंकि मेरी गलती इसलिए भी भाई कुछ दिख ही नहीं रहा तो गाड़ी चलाऊं कहां पे अब, ठीक है, तो जाते हुए वहां भाई गाड़ी एक्सीडेंट होगी, गाड़ी के ऊपर कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट आई थी मेरे ख्याल से रिपेयर की कोई 35-38 हजार के आसपास। अब जब गाड़ी का इंश्योरेंस है, ठीक है, तो गाड़ी तो इंश्योरेंस के उसमें पास हो जाएगी, तो भाई वहां पे भी 2 महीने में वो ट्रांसपोर्टर ने है एक, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, चलो उनका इतना ही शुक्रिया यार कि उन्होंने एक्सपीरियंस दिलाया इस लाइन का कि ये लाइन सरवाइव कैसे करती है, ठीक है। जब उन्होंने मेरे को ये चीज बोली ना कि भाई सैलरी आपकी कटेगी किसी की नहीं, वो 35-38 हजार रुपया था, 9500 रुपया मेरी सैलरी आप कैलकुलेट कर लेना, लेकिन फिर भी चलो 2 महीने की तो सैलरी मेरे पास आई नहीं, वो 2 महीने भी मैंने जैसे तैसे करके पहले उधर आता था काम करके, ठीक है, फिर अपने यहाँ जरकपुर होटल है वहां आके, भाई इस चीज को दिल पे ना लो प्लीज, और
चलिए कोई होता है भाई, सभी के साथ सभी को ये चीजें कभी ना कभी फेस करनी पड़ती हैं। वहां के भाई वेटर की जॉब भी की है मैंने, ठीक है, वहां दिहाड़ी आता लगा के मेरे को पता है वो 2 महीने मैंने कैसे सरवाइव किया है। और जबकि ये सारा कुछ मेरी मैरिज होने के बाद हुआ है, मेरे पास 3 साल का मेरा बेटा था उस टाइम, ठीक, बहुत डिफिकल्ट था भाई वो टाइम मेरे लिए। जब याद आता है तो भाई या उसके बाद से इतना मन फटा था ना भाई इस लाइन से भी नहीं यार, भी ये तो खुद एक दूसरे को लगे हुए हैं खाने। और फिर मैंने ट्रांसपोर्टर को ना जिस टाइम मैंने जॉब क्विट की थी, जब रिजाइन किया था वहां से, तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है आप नुकसान हुआ, आप ड्राइवर से बोल रहे हो, ड्राइवर को बोल रहे हो कि भाई आप पे करो, ठीक है नुकसान हो गया तो आपने सारा ड्राइवर से ले लिया, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें 1 महीना 1 साल ले लो आप, 1 साल के अंदर कौन ड्राइवर ऐसा है यार जो चाहेगा भी मैं गाड़ी मारूं, मेरा खुद का नुकसान हो, गाड़ी का नुकसान हो, वो कंडीशंस ऐसी बन जाती है बेटा, है ना। तो अब जब प्रॉफिट हो रहा है भाई 1 साल के अंदर अगर एक बार गाड़ी लगी है तो बाकी 1 महीने में 12 में से गाड़ी लगी, ठीक है, उसकी पेनल्टी आपने ड्राइवर के ऊपर डाल दी। लेकिन जो पिछले 11 महीने गाड़ी प्रॉफिट में चली है उसकी सैलरी भी आप टाइम पे नहीं दे रहे, है ना। तो ये चीजें फेस की है भाई। तो भाई जैसे अभी आपने ये चीज बताई है कि सैलरी नहीं मिली, 2 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ी वहां पे, तो क्या आपने लीगली इस चीज में किसी की मदद लेने की कोशिश नहीं की कि यार इस मैटर में कोई तो होगा जो आपकी हेल्प कर सके, या आपके साथ के जो ड्राइवर हैं वो उस चीज के बारे में कुछ मदद कर सकते थे आपकी, या जो फैक्ट्री में जहाँ जिस प्लांट में भी आप काम करते थे वहां का जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होता होगा उसके साथ कोई आपने देखी हो बात करके? हाँ, उसके बाद जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ ना, तब मैंने बहुत देखा, मैंने ट्राई किया, मैंने गूगल भी चेक किया, मैंने उसके बाद यूट्यूब भी चेक की। जब देखा था मैंने उस टाइम पे 2018-19 की बात बता रहा हूँ भाई आपको, ये अभी 24 चल रहा है, ठीक है, 18-19 के अंदर जब मैंने चेक किया था ना, तो मेरे को एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिली कि अगर आप इस कंडीशन में हो या आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है या अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ गए तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो उस टाइम नया था। अब जो पुराने ड्राइवर थे वो भी भाई सबको अपने अपना नौकरी प्यारी होती है, कोई नहीं आपके लिए बोलता वहां उस टाइम, ठीक है, और आज भी यही चीज है। तो उसके बाद फिर सोचा था भी यार चाहे कुछ भी हो, अच्छा करें बुरा करें भी एक बार ट्राई जरूर करूंगा ये चीज, और जितना का हो सके उतने का अवेयरनेस इस चीज के रिगार्डिंग फैलाऊंगा भी, ताकि जो चीज मेरे साथ हुई है ना कल को किसी और के साथ ना हो जाए, क्योंकि मेरे को पता था भी मैं सरवाइव कर लूंगा, मैं लड़ लूंगा, ठीक है, और हो सकता है मेरी जगह कोई और होता क्या सिचुएशन रही होगी उस टाइम, हर कोई नहीं हैंडल कर पाता है। हाँ, उसके बाद भाई मैंने उनको बोल के वहां से रिजाइन कर दिया था कि अगर आप लॉस के अंदर ड्राइवर को चार्ज कर रहे हो तो प्रॉफिट के अंदर भी उसको उतना ही आप मार्जिन दो या उतना ही उसके पार्टनरशिप रखो, है ना। तो इस चक्कर में वहां से मैंने जॉब क्विट कर दी थी, और तब तक मैं यूट्यूब पे आई थिंक मैं आ गया था स्टार्टिंग के ना, 3-4 मेरी वीडियोज, अब 3-4 पता नहीं 5 का वीडियो है मेरी जो वहां की है, तो वहां से सीखना स्टार्ट किया था, और वहीं से मजाक का पात्र बनना स्टार्ट हुआ था फैमिली से भी, रिश्तेदारों से भी और फ्रेंड सर्कल से भी। तो अभी जैसे आपने बताया भाई कि आप
पार्ट ऑफ जोक मजाक के पात्र बने, तो इसका रीजन क्या है और आपने ओला उबर का बोर कैसे ज्वाइन किया? क्योंकि मेरे को पता था भाई ये चीज भी दूर कर दिया था सभी ने, और आज भी कोई इतना वो नहीं है, लेकिन आज भगवान की दया से ठीक है। उसके बाद भाई मैंने गाड़ी ढूंढी थी, 3-4 महीने लगे थे मेरे को, ठीक है। आप ये सोच के देखो भी, जब गाड़ी चला के आया था मैं, 2 महीने मेरे वो चले गए थे, ठीक है। जैसे जैसे जाके होटलों में किया, वेटर्स की जॉब करके वहां से अपना गुजारा किया, उसके बाद मेरे पास स्किल थी, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का काम मेरे को आता था, प्लम्बर का काम मेरे को आता था, सिक्योरिटी का काम किया, उसके बाद मैंने काम किया भाई। अगले 4 महीने मेरे को लगे, क्योंकि मेरा टारगेट यही था कि मैं वापस इसी लाइन में आऊंगा, ठीक है। उसके बाद ओला उबर को सर्च किया मैंने भी, ये क्या चीज है कैसे नहीं, इसके बारे में समझा करा, ठीक है। फिर आया मैं वीडियोस के ऊपर भी, यार वीडियोस देखते हैं जो अगर कोई बना रहे हैं, तो बनी हुई बहुत थी वीडियोस, लेकिन उनमें से भाई सीखने को 0.10% मिला था सिर्फ, ठीक। क्या है क्या नहीं सारे सिर के ऊपर से निकल जाती थी जब लास्ट में वीडियो एंड करता था। तो पूरे 4 महीने जब मैंने सिक्योरिटी की जॉब की, ठीक है, तो वहां पे देखता रहता था, इलेक्ट्रिकल का काम करते थे इलेक्ट्रिशियन का, जब लंच टाइम होता था तो साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में वो चीजें चल रही है दिमाग में, उसको देख रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो करते करते फिर मैंने यही सोचा भी यार एक बार इस चीज को ट्राई कर खुद, जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करेगा ना, थ्योरी जितनी मर्जी पढ़ो नहीं समझ आएगी। फिर भाई यहां से इस लाइन के अंदर ना शुरू हो जाता है, अब आप समझो क्या मैं बोलने कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास वर्ड नहीं है सही, ठीक। जब भाई किसी को पूछा यार लोबर वाली गाड़ी दिलवा दो, किसी को पता हो आप लोगों को टाइम हो गया काम करते हुए, तो सबसे पहली चीज भाई 1000 रुपया लगेगा, कोई कहता 1500 लगेगा, कोई कहता 500 लगेगा, ठीक। और ये उन बंदों की बात है जो मेरे साथ बचपन से खेले हैं, कर रहे हैं, जिनके साथ मैंने काम किया, वो लोग। तो मैं कहा भाई अभी तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये अगर इतने के पैसे मेरे पास देने के लिए होते तो मैं आप लोगों को क्यों बोलता, है ना। फिर उसके बाद खुद ही ट्राई किया, खुद ट्राई करने के बाद मैं ओलेक्स पे जाके सर्च किया मैंने ड्राइवर जॉब, पता लगी वहां हमारे जीरकपुर के एक ऑनर थे, धीरज उनका नाम है, आज भी मैं बोलता, आज भी शायद पता नहीं वो वीडियो देखते हैं पता नहीं, ठीक। धीरज उनका नाम था, उन्होंने भाई ने मेरा डीएल उस टाइम गया हुआ था चलान के अंदर, ठीक है, 8-9 दिन मेरे को लगे थे मेरा डीएल निकलवाने में, ठीक। तो उनकी गाड़ी एक फ्री थी और उनके पास ऑलरेडी 3 ड्राइवर थे, चौथा मैं था उसी गाड़ी के लिए, लेकिन उनका मैं आज भी एहसान नहीं भूलता भाई, ठीक है। उन्होंने उन 3 ड्राइवरों को गाड़ी नहीं दी, उन्होंने टाइम मेरे को दिया अभी तो अपना डीएल निकलवा और आके गाड़ी चलवा लिया, जबकि उनको कुछ नहीं पता था मैं कौन हूँ, कैसे, क्या मेरी कंडीशन है क्या नहीं। तो वो कई बार कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आता, ठीक है, वो उसने जब उंगली पकड़नी हो ना तो वो एक जरिया बनाता है। तो धीरज भाई के पास गया मैं, उन्होंने जाते ही कोई मेरे से किंतु परंतु नहीं, सीधा जाते ही चाबी गाड़ी में लगी हुई थी, ठीक है, कपड़ा मेरे हाथ में दिया भी गाड़ी साफ कर और ले जा, और शाम को इतने बजे आके गाड़ी दे दी, ठीक है। पहले दिन की बात है ये, मैं 11:30-12 बजे भाई उनसे गाड़ी लेके निकला, 8 बजे का उन्होंने टाइम दिया था कि 8 बजे दूसरा ड्राइवर की शिफ्ट शुरू होगी, 8 बजे तक गाड़ी मेरी पहुंचा दी हुई, मैं कहा ठीक है जी। अब फ्रेशर अब ओला उबर कभी चलाया नहीं, लेना नहीं देना नहीं, हाँ उनको ये मैंने झूठ बोला था कि भाई मैंने ओला उबर में गाड़ी चलाई, ठीक है, माफी चाहता हूँ धीरज भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो। सो अब वहां से मैं गाड़ी लेके निकल गया, जाने के बाद जिस टाइम 9:30 बजे थे मेरे, आज भी याद है, मैं उस टाइम में ट्रिब्यून चौक था,
ट्रिब्यून चौक पे जाके मैंने फोन किया उनको, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं अभी यहाँ पे अभी जरकुरानी में, मैं कहा 10-12-15 किलोमीटर मेरे को लगेंगे, तो अगर आप कहते हो मैं गाड़ी खाली लेके आ जाता हूँ, अगर आप कहते हो राइड लेके आऊँ तो मैं थोड़ा सा वेट और कर सकता हूँ, मेरे को अगर राइड मिल जाए तो आ जाता हूँ। तो जिस टाइम पे उन्होंने मेरे पास एक ही क्वेश्चन था कि अर्निंग तेरी कितनी हुई है, और मैंने उनको कहा भी भाई मैंने है था उस टाइम कोई 2600-2700 रुपए का काम कर लिया था उन 8-10 घंटों के अंदर अंदर, फ्रेशर बंदा था जबकि मैं, और मेरे को ये नहीं पता था राइड कैसे पिक करते हैं, कहाँ कैसे मैप खुलता है, कैसे लोकेशन पे जाना है, कैसे है कैसे नहीं, फर्स्ट दिन की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने उनको बोला भी भाई होगी है मेरी 2600-2700 रुपए की अर्निंग, वो इतने खुश हुए, उन्होंने मेरे को सीधा ही बोल दिया, कहता तू एक काम करे गाड़ी अपने पास ही रख, ठीक है अपने घर ले जाया कर, और सुबह टाइम से ड्यूटी ऑन करनी है, टाइम से ड्यूटी ऑफ करनी है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है गाड़ी के साथ भी और अपने आप के साथ भी, जितना हो उतना गाड़ी चला लियो, और जितना तेरे को लगे भी अब थकावट हो रही है या गाड़ी नहीं चल रही है या गाड़ी के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, गाड़ी रोक दी, ठीक है। तो वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी, वहां उनके साथ 6-7 महीने मैंने काम किया, 6-7 महीने के बाद भाई काम करने के उन्होंने खुद ही मेरे को बोल दिया था कि अब तू नहीं रहा किसी की गाड़ी चलाने लायक, ठीक है, नहीं अब तू गाड़ी अपनी ले, अब तू खुद इस चीज को फेस कर, फील कर और स्टैंड बना आप, ठीक है। मुझे लगता है भाई इतनी लंबी स्पीच के बाद आपने सारा कुछ ही एकदम सारा कुछ इकट्ठा ही बता दिया। तो अब ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में आते हैं, पीछे आते हैं, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपने ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ी चलाई है, तो वो कहाँ पे चलाई थी, किस एरिया के अंदर चलाई थी? सॉरी भाई सारी स्टोरी आपको एक साथ बता दी। ट्रांसपोर्टर के पास भाई मैं बद्दी के अंदर था, बद्दी में जॉब करता था ना, है वीडियो मैंने पड़ी है अगर कोई देखना चाहे, अगर किसी को ये हो भी यार पता नहीं भाई जानबूझ के बोल रहे, तो अगर कोई मेरे पुरानी वीडियोस देखेगा, ठीक है, स्टार्टिंग की पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वीडियो तक है उसमें, आई थिंक 5-7 वीडियोस है मेरी उस टाइम की बनाई। और एक चीज और है भाई, जैसे अभी ये एलिगेशन मेरे ऊपर भी लगते हैं और आपके ऊपर भी लगते होंगे कि यार जो भी बंदा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना रहा है, पोस्ट कर रहा है, वो सारा कुछ ही बंदे व्यूज के लिए करते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस चीज के साथ है? एक बार ये शेयर करेंगे अपने भाइयों के साथ प्लीज। कह सकते हो भाई, लेकिन कोई ना, अब एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, ये भी ना अपने लोगों के अंदर एक मन में बहुत क्या कह सकते हैं इसको कि एक डाउट ही है, या हम लोग दूसरे इंसान को या दूसरे बंदे को ना देखना नहीं चाहते उस नजर से, या हम लोग फील नहीं करना चाहते वो चीजें खुद, ठीक है, कि अब लोग मेरे को कहते हैं यार तू व्यूज के चक्कर में ऐसा करता है, तो ये तो वो, सो नहीं भाई, ये चीजें ऐसे नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हो। अभी नहीं, वो बात वही आ जाती है भाई, अगर कोई व्यूज वाली बात लगा लो आप कि ये व्यूज के लिए करता है जो भी करता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये सोच के देखो मेरी वीडियोस देखता कौन है, बच्चे देखते होंगे, उनको लेना देना ही नहीं है मेरी वीडियो से कुछ, है ना, तो सबसे पहले तो मैंने कैटेगरी अपनी यही खत्म कर दी। और जबकि आजकल की जनरेशन आपको पता है वो बिना यूट्यूब इंस्टाग्राम के तो सांस नहीं आती उनको। उसके बाद सेकेंड आ जाओ आप, जो लोग प्रोफेशन में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, वो लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, उनको लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो खुद यार टैक्सियां बुक करके आते हैं, है ना, वो मेरी वीडियोस क्यों देखेंगे, उनको क्या लेना देना मेरी वीडियोस से। और नंबर तीसरा आ जाओ आप फीमेल्स पे, अभी कोई फीमेल है, फीमेल को मेरी वीडियो देख के क्या करना है, है ना, उन्होंने गाड़ियां चलानी है आगे। तीसरी कैटेगरी ये खत्म। चौथी कैटेगरी आ गई भाई आपके जो सीनियर सिटीजन,
वो लोग हैं, वो लोग मेरे वीडियोस क्यों देखेंगे ये बताओ। उनके अपने जिंदगी निकल गई बेचारोंगी, ठीक है। अभी कोई पेंशनर है, कोई कुछ है, वो तो अपना टाइम देखेंगे, अपने बच्चों का देखेंगे, उनको क्या लेना देना कोई ये वीडियोस देखे ऐसे, ठीक। मेरी वीडियोस देखता सिर्फ कौन है, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, या जो कोई घर पे बैठ गया बिल्कुल ही निराश हो गया, ठीक। कोई एक एज का अगर मैं आपको यार क्राइटेरिया दे दूं तो 20 21 22 से लेके 26 27 28 तक या 35 तक भी चला जाता है मैक्सिमम, इस एज कैटेगरी के लोग मेरे को देखते। तो अब आप ये देखो कि मैं सिर्फ अगर मेरे को व्यूज वाज का चक्कर हो तो मैं वीडियोस वगैरह में तड़के तड़के लगा के ऐसा उसा कुछ करके इधर उधर की चीजें दिखा के तो कितना कुछ कर सकता था, कितना कुछ दिखा सकता था, है ना। तो अभी जिसको करना है भाई, जिसको अभी रोक तो किसी को सकते नहीं, है ना। तो भाई आई थिंक वीडियो अभी बहुत लंबा चला जाएगा ये अपना पॉडकास्ट, सो इसको आज के लिए अभी के लिए यहीं पे करते हैं एंड। अगर अपने भाइयों को ये चीज एक्सपेरिमेंट अपना पसंद आया तो इस चीज को आगे कंटिन्यू जरूर करेंगे, और जो भी बातें रह गई हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि बातें अभी बहुत रहती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो भी बातें अपनी आगे रह गई उनको अगले पार्ट में करेंगे कंटिन्यू जरूर भाई। हाँ, वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, करते हैं भाई इसका। अगर ये वीडियो पसंद आती है सभी को तो जरूर करेंगे भाई। तब तक के लिए इजाजत दें, और आप सभी भी भाई तब तक के लिए इजाजत दें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। राप राखा, शुक्रिया।